तो आप लोग ने बहुत सारे लाइक PS5 देखे होंगे, PS4 के प्राइसेस देखे होंगे। आज हम आए हैं ऐसी जगह पे जो के PS5, PS4, VR, CD सब रेंट पे देते हैं। ये जो बिजनेस के जो ओनर है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना, वुमेन्स पावर, तो इनका नाम ही पूछ लेते हैं। मैम आपका नाम? माय नेम इज जिग्ना वाधवाना। ओके मैम, ये जो आपका जो बिजनेस है उसका नाम क्या मैम? गेम फॉर लेस। तो मैम ये जो आपके हाथ में PS5 है, आप ये जो रेंट पे देते हैं उसके चार्जेस क्या मैम? इसके डेली और वीकली मंथली बेसिस पे रहता है। अगर आप डेली के बेसिस में एक कंट्रोलर और एक गेम लेते हैं तो 699 है, और दो कंट्रोलर दो गेम लेते हैं तो 799 है, और वीक के बेसिस पे हम लोग हफ्ते में एक कंट्रोलर और एक गेम लेते हैं तो 2499 है, और हफ्ते का दो कंट्रोलर दो गेम के साथ लेते हैं तो 2999 है। PS4 हमारे पास तीन टाइप के है, स्लिम है, फैट है और प्रो है। PS4 भी हम हफ्ते के हिसाब से और डेली के हिसाब से देते हैं। दिन का हम एक कंट्रोलर और दो गेम के साथ लेते हैं 399, और दो कंट्रोलर और दो गेम का है 499। वैसे ही हम हफ्ते का एक कंट्रोलर दो गेम का लेते हैं 1499, और हफ्ते का दो कंट्रोलर दो गेम का है 1799। तो आप VR भी रेंट पे देते हो मैम? हाँ, VR भी हम रेंट पे रहते हैं। उसी हिसाब से अगर आपको खाली VR चाहिए तो दिन का है 499 और हफ्ते का है 2299। VR के साथ PS4 लगता है और PS5 भी लगता है। तो आप कंसोल के साथ लेते हैं तो दिन का इसका 849 है, और कंसोल के साथ इसका है हफ्ते का है 3599। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा कंट्रोलर चाहिए कंसोल के साथ तो इसका दिन का 100 रुपीज है, और PS4 का कंट्रोलर है, और PS5 का कंट्रोलर दिन का 200 है। और आपको खाली कंट्रोलर चाहिए वो भी देते हैं, लेकिन वो डिपेंड के डिमांड क्या है उसके हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होता है। लाइक स्टॉक के हिसाब से लाइक अवेलेबिलिटी है कि हाँ, अवेलेबिलिटी है कि नहीं उसके हिसाब से। लॉजिटेक स्टीयरिंग व्हील है वो भी हम देते हैं। अगर आपको खाली लॉजिटेक स्टीयरिंग व्हील चाहिए, आपके पास कंसोल है, और उसका डेली का चार्ज है 599 और एक हफ्ते का चार्ज है 2399। लॉजिटेक हम कंसोल के साथ भी देते हैं, और उसका कंसोल के साथ आप ले रहे हो उसका डेली चार्ज है 939। आप लॉजिटेक और कंसोल साथ में लेते हैं तो उसका हफ्ते का चार्ज है 3669। हाँ, हम गेम्स भी रेंट पे रहते हैं, जैसे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक है, स्पाइडरमैन माइल्स एंड मोरेलेस है, FIFA 23 है, GTA 5 है, उसका डेली बेसिस पे लेते हैं तो 100 रुपीज पर डे का चार्ज लगता है। हम पहले उनका KYC वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्लाइंट का आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए उसकी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए, और फिर उसके बाद हम कन्फर्मेशन देते हैं, और कन्फर्मेशन होने के बाद रेंट के साथ डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा रहता है क्योंकि हम FIFA से डिलीवरी करते हैं, और उसके साथ हम 1000 रिटर्नेबल डिपॉजिट चार्ज करते हैं। जो एक बार प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं उसके बाद चेक होने के बाद हम 1000 रिटर्न करते हैं। अगर किसी को आपके लाइक ब्रांड के ऊपर डाउट्स आता है तो आप उसको कैसे क्लेरिफाई करेंगे? हमारे बहुत सारे रिव्यूज है गूगल पे, वो चेक कर सकते हैं, और हम लोग डिलीवरी के पहले 50% लेते हैं और उसके बाद डिलीवरी के बाद 50% पेमेंट लेते हैं, तो उस हिसाब से सिक्योर्ड। तो मैम ये जो जितने भी बड़े बड़े कंसोल्स है, कभी कभी ऐसा होता होगा कस्टमर को कभी कुछ फॉल्ट आया, तो आप वो कैसे कवर अप करते हैं? हम लोग वर्चुअली उनको हेल्प करने की ट्राई करते हैं। कभी कभी कस्टमर्स को इंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम आता है तो वो भी हम हेल्प करते हैं वर्चुअली, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी गेम में कोई प्रॉब्लम है कि एक्टिवेट नहीं हो रहे, खेल नहीं पा रहे, तो हम ट्राई करते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर गेम नहीं चल रही है तो हम उनको एक्सचेंज करके भी देते हैं, उनका जो टाइम वेस्ट होता है उनको कवर अप भी देते हैं एक्सटेंशन देने के, और वही सेम डे हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DJ & Tech। थैंक यू।